दोस्तों, बांग्लादेश इन दिनों हाथ पैर मार रहा है भारत के साथ अपने संबंधों को ठीक करने के लिए, क्योंकि भारत लगातार बांग्लादेश के ऊपर बड़े बड़े एक्शन ले रहा है। इसके साथ ही बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भी लगातार गिरती जा रही है। वहीं पर अब बांग्लादेश को एक और बड़ा झटका, बांग्लादेश का जो सपना था न्यूक्लियर पावर प्लांट का, उसको लगा है, क्योंकि भारतीय कंपनियों ने अपना काम बांग्लादेश से समेटना शुरू कर दिया है। सबसे पहले रेफरेंस के लिए आप अपनी स्क्रीन पर नव भारत टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं। दरअसल बांग्लादेश के रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के उद्घाटन पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं। इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए पद्मा और जमुना नदियों के माध्यम से ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण कार्य अवामी लीग के सत्ता से बाहर होने के साथ ही रुका हुआ है। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से हटने के साथ ही इस ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण कर रही भारतीय कंपनी ने साइट छोड़ दी है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर हम्मद जाहिदुल हसन के अनुसार ट्रांसमिशन लाइन के बिना $12.65 बिलियन के रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का चालू होना संभव नहीं है। पावर ग्रिड कंपनी बांग्लादेश के अनुसार देश के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र से राष्ट्रीय ग्रिड तक पावर ट्रांसमिशन के लिए पद्मा और जमुना दोनों में 16 किलोमीटर नदी क्रॉसिंग लाइन सहित कुल 669 किलोमीटर ग्रिड लाइन की आवश्यकता है। दोनों नदियों के पार ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का काम मुख्य रूप से किया जा रहा है, लेकिन इस पर काम ठीक से नहीं चल पाया है। रूपपुर ट्रांसमिशन लाइन के लिए नदी क्रॉसिंग लाइन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद डेलवर हुसैन के अनुसार पद्मा नदी क्रॉसिंग लाइन का केवल 38% काम पूरा हुआ है, जबकि जमुना नदी क्रॉसिंग लाइन पर प्रगति 25% से भी कम है। भारतीय कंपनी ट्रांस रेल लाइटिंग को $524 मिलियन में नदी क्रॉसिंग लाइन के निर्माण का ठेका मिला है। इस कंपनी को पद्मा में 2 किलोमीटर सिंगल सर्किट 400 किलोवाट लाइन और 1 7 किलोमीटर डबल सर्किट 400 किलोवाट लाइन और जमुना के माध्यम से 1 और 7 किलोमीटर 230 किलोवाट लाइन का निर्माण करना है। लेकिन बांग्लादेश के अंदर शुरू हुए विरोध प्रदर्शन के बाद से इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले 100 भारतीय और 30 इंडोनेशियाई नागरिक अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश को छोड़कर वापस अपने देश पहुंच गए। इसके बाद से ये काम ठप पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि इसकी पहली यूनिट 2023 में जबकि दूसरी यूनिट 2024 में शुरू होनी थी, लेकिन अभी तक इसकी कोई भी यूनिट स्टार्ट नहीं हो पाई, जिसकी वजह से मोहम्मद यूनिस ने अनाउंसमेंट किया है कि उनकी पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि प्रोजेक्ट को कैसे वापस से शुरू किया जाए। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये रहेगी कि जिस तरह से भारतीय कंपनियां अपना काम समेटकर बांग्लादेश छोड़कर आ चुकी है, अब कैसे वापस इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा। दूसरा, बांग्लादेश के पास इतना पैसा भी नहीं बचा हुआ है कि वह इस प्रोजेक्ट को फंड कर सके, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए ऑलरेडी बांग्लादेश ने $11.38 बिलियन का कर्ज रूस से लिया हुआ है, जिसने हाल ही में अपना पैसा बांग्लादेश से मांगा भी है। अब ऐसे में बांग्लादेश ये उम्मीद कर रहा है कि रूस रियायत दे, वहीं भारतीय कंपनी इस प्रोजेक्ट पर वापस से आकर काम शुरू करे, और ये दोनों ही चीज फिलहाल पॉसिबल होती हुई नजर नहीं आ रही, जिस वजह से जो ड्रीम प्रोजेक्ट बांग्लादेश का है वह इस समय अधर में लटक चुका है। हालांकि मोहम्मद यूनिस की तरफ से आए हालिया बयान में ये कहा गया है कि हम भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, और जब मैं अमेरिका में जाऊंगा तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करूंगा, साथ ही सार्क संगठन को फिर से जीवित करने का प्रयास करूंगा, जो कि भारत पाकिस्तान के बीच खराब हुए संबंधों की वजह से 2014 से ही ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। मोहम्मद यूनिस चाहते हैं कि सार्क को वापस जीवित करके जो पाकिस्तान अलग थलग पड़ा हुआ है उसको एक बार फिर से एक मंच दिया जाए। हाल फिलहाल में हमने देखा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ अपनी नजदीकियों को बढ़ा रहा है, और उसी के तहत ये कदम बांग्लादेश उठाने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल, इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि मालदीव से निकलकर सामने आ रही है, जिसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मालदीव की सत्ता संभालने के बाद से भारत के खिलाफ अकड़ दिखाने वाले चीन परस्त मोहम्मद यूनिस को अब अकल आ गई है। मालदीव की मौजूद सरकार के सुर बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। मालदीव को समझ आ गया है कि भारत से रिश्ते बनाए बिना उसका काम नहीं चलने वाला। मौजूद प्रशासन ने पहली बार माना है कि उसने शुरुआती दौर में भारत से संबंध खराब कर लिए थे। मालदीव के विदेश मंत्री
मूसा जमीर ने स्वीकार किया कि राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू के नेतृत्व वाली सरकार के शुरुआती दिनों में भारत मालदीव संबंध कठिन दौर से गुजरे। इसके साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों देशों ने गलत फहमियां दूर कर ली है। जमीर ने शुक्रवार को श्रीलंका की यात्रा के दौरान ये टिप्पणी की। द एडिशन समाचार पत्र ने जमीर के हवाले से लिखा, आप जानते ही है हमारी सरकार के शुरुआती दिनों में भारत के साथ कुछ तलखी थी। हमारे भारत और चीन से रिश्ते हैं तथा दोनों देशों ने मालदीव का समर्थन करना जारी रखा है। जमीर की यह टिप्पणी मालदीव की वित्तीय स्थिति के बारे में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की चेतावनी के मद्देनजर आई है। मालदीव पर इस समय 40.9 करोड़ अमेरिकी डॉलर का कर्ज है। देश का मौजूदा विदेशी मुद्रा भंडार 44.4 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है। यानी कि इससे आपको पता लग गया होगा कि आखिर मालदीव की अकल कैसे ठिकाने आ गई है, क्योंकि इस समय जिस तरह से उसका कर्ज बढ़ता जा रहा है, ऐसे में भारत के साथ अपने रिश्ते खराब वह बिल्कुल नहीं कर सकता। यही वजह है कि इस तरह के बयान मालदीव से निकलकर सामने आ रहे हैं। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।